होटल बनाने के लिए मुझे 7-8 बड़े कमरे बनाने होंगे। उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ, घास फूस और मिट्टी भी लगेगी। ठीक है कालू भैया, रानो और मैं लकड़ियाँ जमा करेंगे, बुलबुल और सीमा घास इकट्ठा करेंगे, कबूतर और सुंदर उल्लू मिट्टी लाएंगे। हाँ, मैं और भूरा होटल का बाकी सामान और अनाज इकट्ठा करेंगे। हाँ हाँ, उसके अलावा इन्हें दूसरा क्या काम है। हम भी हमारा होटल बनाएंगे, आप चलिए जी, हमें बहुत काम है। एक भाई का फर्ज है कि वो बुरे हालात में अपने भाई की मदद करे, ना कि उसके खिलाफ खड़ा हो। छोड़ो, जाने दो रानो, कल से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। अजी देखिए कैसे तुम्हारा भाई नया होटल खोलने जा रहा है। हाँ रीमा, मुझे पता है। मैं कुछ नहीं जानती, हम भी हमारा होटल बनाएंगे। अरे रीमा, होटल चलाना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए खाना पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सारे काम करने होते हैं, और उनसे तो तुम्हारा दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अगर आप ऐसे बातें करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, हम भी हमारा होटल खोलेंगे। सुबह हो जाती है, जैसे कि सारे पंछियों ने कालू से कहा था, सब अपने अपने काम पर लग गए। लाड़ो और रानो लकड़ियां जमा करने, कबूतर और सुंदर उल्लू मिट्टी लाने और बुलबुल सीमा मिलकर घास फूस लाने चले गए। अजी, होटल के लिए तो बहुत सारा अनाज जमा करना होगा, पर हम इतना सारा अनाज कहाँ से लाएंगे? मैं बताती हूँ, ढेर सारा अनाज कहाँ पर मिलेगा। अरे मीनू मौसी, पर आप तो हमारी मदद नहीं करना चाहती थी, कल तो आप ना कहकर चली गई थी। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें अनाज जुटाने में मदद नहीं कर सकती, पर अनाज कहाँ पर मिलेगा ये तो बता सकती हूँ ना। हमारे जंगल के दक्षिण दिशा में अनाज का बहुत बड़ा खेत है, तुम वहीं से अनाज लेकर आओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो आते समय वहाँ से मेरे लिए कुछ मीठे फल लेकर आना। ऐसा कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। लो, हमें अनाज का पता बताकर जाते जाते खुद के लिए फल भी मांग कर चली गई। कोई बात नहीं गोरी, हम आते समय थोड़े मीठे फल भी लेकर आएंगे। इधर भूरा और रीमा मिलकर होटल बनाने का सामान जुटाने लगे। अजी वो देखिए कितनी सारी लकड़ियां हैं, चलिए यहीं से लकड़ियां लेकर जाते हैं। दोनों लकड़ियां उठाने लगे, तभी वहां पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हम नया होटल शुरू करने जा रहे हैं, इसी के लिए हमें इन लकड़ियों की जरूरत थी। तो उसके लिए क्या मेरा ही घोंसला मिला था? रुको, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। शिकारी चील उन दोनों की पिटाई करने लगता है, जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बड़े आए मेरा घोंसला तोड़ने वाले। अजी जाने दो, हमने जितनी चीजें इकट्ठा की है उतने में ही हम हमारा होटल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इधर सारे पंछियों ने मिलकर कालू कौवे का होटल बनाने का सारा सामान जमा कर लिया। कालू भैया, आप होटल के कमरे बनाने का काम शुरू कर दीजिए, हम आपको एक एक करके सारा सामान ला कर देंगे। भूरा घोंसला बनाने में माहिर है, काश वो मेरी मदद करता। कोई बात नहीं कालू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इधर भूरे ने रीमा की मदद से होटल के 2-3 कमरे बना लिए। अजी हमने कमरे तो बना दिए हैं, पर ये कुछ भद्दे नहीं दिख रहे। क्या रीमा तुम भी, मैंने जितना हो सकता था उतना किया, बस अब इसमें एक चीज की कमी है। वो क्या जी? अरे अभी ठंड का मौसम शुरू है, जंगल में कभी भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है, यहाँ तक पिछले साल की तरह बर्फ बारिश भी हो सकती है, इसीलिए हमें कपास की जरूरत होगी। लेकिन हमें कपास शिकारी पंछियों के इलाके में मिलेगा। अजी जाने दो,
यहाँ हम कौन सा 5-स्टार होटल बना रहे हैं? जैसा है वैसा ठीक है। अगर हम शिकारी पंछियों के इलाकों में जाएंगे तो इस बार जिंदा बचकर वापस नहीं लौट पाएंगे। अरे वाह भूरे, क्या बात है, तुमने तो बहुत ही बढ़िया होटल बना लिया। क्या कमरे बनाए हैं तूने? क्या सच में? हाँ हाँ, और वो भी कालू के होटल से भी ज्यादा अच्छे। इधर दिन भर मेहनत करके सारे पंछियों ने मिलकर कालू का होटल पूरा कर दिया। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से आप सभी के लिए मेरा होटल कभी भी खुला है, आप कभी भी आकर यहाँ रह सकते हो। अरे बस कर कालू, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कर। आ गई फोकट में मजे लेने। मीनू मौसी, बताइए होटल कैसा बना है? बढ़िया है, पर इसमें एक कमी है। वो क्या? ठंड बहुत बढ़ने वाली है, यहाँ तक के पिछले साल के जैसे बर्फ बारिश भी हो सकती है। तुम्हें होटल के कमरों को अंदर से कपास से ढकना चाहिए ताकि सर्दी में कमरों के अंदर ठंडी हवा ना आए। हाँ मीनू मौसी, पर इतनी सारी कपास हमें कहाँ पर मिलेगी? मुझे एक जगह पता है जहाँ आपको बहुत सारी कपास मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शिकारी पंछियों के इलाकों में जाना होगा। मीनू मौसी की ये बात सुनकर सारे डर जाते हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं जाकर वहाँ से कपास लेकर आऊँगा। अजी, ये आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई बात नहीं गोरी, ठंड के मौसम में हमारे ग्राहकों को परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, इसीलिए मुझे ये जोखिम उठाना पड़ेगा। साथियों, आप यही रुको, मैं जाकर कपास लेकर आता हूँ। कालू, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सुंदर उल्लू भी कालू के साथ आ जाता है। कालू, जरा ध्यान रखना, यहाँ पर चारों तरफ शिकारी पंछी रहते हैं। हाँ सुंदर, हम बस थोड़ी कपास लेकर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों कपास के खेतों में आ जाते हैं। चल कालू, जल्दी से कपास जमा कर लेते हैं। दोनों कपास जमा करने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हम बस, चील भाई, हम बस थोड़ी कपास लेकर यहाँ से जा रहे हैं। वो क्या है ना, हम पंछियों ने मिलकर एक होटल बनाया है, कमरे गर्म रहे इसके लिए हमें उनके अंदर कपास लगानी है। चील सोच विचार करता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ले जाओ जितनी चाहे उतनी कपास लेकर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। अरे बॉस, आपने इन्हें क्यों जाने दिया? अरे बटले, तू समझा नहीं, जब इनका होटल पूरा हो जाएगा तब होटल में रहने के लिए बहुत सारे पंछी आएंगे। हमें शिकार ढूंढने के लिए पूरा जंगल घूमना पड़ता था, लेकिन अब हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, हमारा शिकार खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। हम कौवे के होटल पर धावा बोल देंगे। जाओ हमारे बाकी के साथियों को बता दो, बहुत दिनों बाद हमें दावत मिलने वाली है। ये मरे हुए जानवर खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। इधर कालू सारे कमरे के अंदर कपास लगा देता है। आखिर कालू का होटल पूरा हो जाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, पर कालू के होटल में एक भी कस्टमर नहीं आता। अचानक जंगल में तेज ठंड पड़ जाती है। अजी सुनते हो, जंगल में काफी ठंड बढ़ गई है। मैं कितने दिनों से कह रही थी हमारे लिए एक बड़ा घोंसला बनाओ, पर नहीं, आपको तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। हमें पिकनिक मनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिली है। हम सहेलियां मिलकर पिकनिक मनाने दूसरे जंगल जा रही है। क्या आप और आपके साथी हमारे साथ चलेंगे? हमें पिकनिक मनाने के सिवाय दूसरे भी काम है, तुम चली जाओ। शिकारी चीलों की बीवियां दूसरे जंगल चली जाती है। आ गए तुम सब, बहुत दिनों से हम सब बड़े शिकार के खोज में थे। सुंदरबन जंगल में कालू नाम के कौवे ने एक होटल शुरू किया है, अब वहाँ पर बहुत सारे पंछी रहने के लिए आएंगे। चलो
हम वहाँ पर धावा बोल देते हैं। सारे शिकारी पंछी कालू के होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। अले, आज हमें बहुत दिनों के बाद पंती खाने को मिलेंगे। शिकारी पंछी कालू के होटल के पास आकर देखते हैं, तो उन सब की बीवियाँ पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। अरे भगवान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बोल नहीं रही थी, हमें पिकनिक मनाने जाना है। दरअसल हम इसी जगह की बात कर रहे थे। देखो ना, ये होटल कितना बढ़िया है। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। आप भी हमारे साथ पिकनिक का मजा लो। कोई जरूरत नहीं है, हम यही ठीक है। अरे, इन्होंने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। रात गहरी हो गई। सारे पंछी होटल के कमरों में गरम बैठे हुए थे। अरे, ये शिकारी पंछी बाहर ही बैठे हुए हैं। लगता है हमारा आखिरी समय आ गया है। डरो मत मीनू मौसी, शिकारी चील के बीवी ने मुझसे वादा किया है, वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे बॉस, हम ऐसे ठंड में कितनी देर बैठे रहेंगे? मेरे तो हाथ पैर अकड़ गए हैं। मैं एक जगह जानता हूँ, चलो मेरे साथ। सारे भूरे के होटल के पास आ जाते हैं। भूरा और रीमा उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बचाओ, अरे हमें कोई बचाओ। कालू का होटल सारे पंछियों को पसंद आता है। तब से कालू का होटल जोरों शोरों से चलने लगता है और पंछियों को ठंड के मौसम से राहत मिलती है। अरे, ये भूरे ने कैसा होटल बनाया है, सारी ठंडी हवा अंदर ही आ रही है।